अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीम ब्लॉग्स एंड रिव्यू। और कैसे हैं आप सब लोग? और आज कोई भी फूड ब्लॉग नहीं है। आज आई थी मैं यहाँ पे पार्क में, नाना राव पार्क में। आपने मेरा यहाँ का शॉर्ट भी देखा होगा, काफ़ी पहले मैंने शेयर किया था। तो नाना राव पार्क के अंदर ही अलग से थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है, वो जो नई पार्क खुली है उसके लिए। यहाँ पे इसको टायर वाली पार्क ज़्यादातर कहते हैं और इसी नाम से फेमस है टायर वाली पार्क, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेस्टेज टायर है उससे सारे रिसाइकल हुई है, सारे झूले बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और सबसे ख़ास बात तो मुझे इस पार्क की ये लगी कि यहाँ छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी झूला झूल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आराम से आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, कोई एज का ऐसा कोई इशू नहीं है। सारे एज ग्रुप वाले लोग जो हैं यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ यही लगी। और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आप अपना घर का खाना भी ला सकते हो, स्नैक ला सकते हो। तो पूरा टोटल आप अगर पिकनिक वाले मूड में हो और अगर पिकनिक के लिए कोई अच्छी प्लेस ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेस होने वाली है। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। बढ़िया स्नैक लेकर आओ, यहाँ पे बैठ के इंजॉय करो। सर्दी का टाइम है, सुबह सुबह आ जाओ, धूप लो बढ़िया, सारे बच्चे झूला झूलेंगे, जिनको बड़ों को भी झूलना है वो भी झूले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी इस पार्क की, क्योंकि कहीं भी जाते हैं नॉर्मली बड़े झूल ही नहीं सकते झूला, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। तो यहाँ पे ऐसी पार्क मिल गई, आराम से जिसको भी झूला झूलना है झूला झूलो और स्नैक लेकर आओ। अपना फुल पिकनिक स्पॉट है ये, पूरी फैमिली के लिए गेट टुगेदर हो जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आती है पार्क में और बच्चे भी खूब इंजॉय करेंगे। तो देखिए यहाँ का पूरा व्यू। इसको सारे झूलों से डर लगता है। झूले लग जाएगा। ऐसा पार्क है जहाँ बड़ों के लिए भी झूले हैं, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। टिमटिम के ना लगे, पीछे है टिमटिम। प्राइस की बात करूं तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ है। एंट्रेंस पे आपको 10 रुपये का टिकट लेना है। काफ़ी बड़ी पार्क है, तो ये एक साइड में, इधर ये टायर वाली पार्क है, दूसरी तरफ भी इसके अपोजिट साइड पे भी एक पार्क है।
तो आपको 10 रुपए में बहुत ही अच्छी पार्क मिल जाएगी, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे झूले मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है फैमिली के गेट टुगेदर के लिए, आप छोटे बच्चे को भी लेकर आओ या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पूरा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फैमिली पिकनिक के पर्पज़ से आना है तो बहुत अच्छी जगह है। मुझे ऐसी जगहें बहुत अच्छी लगती हैं कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए, बैठ के स्नैकिंग वगैरह की जाए, गेट टुगेदर हो जाता है। मॉल वगैरह में इतना फ्रीली कोई जो है इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, जैसे कि पार्क वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो स्पेशली बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पार्क अच्छी लगती है या मॉल तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस पार्क से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं कहाँ का फूड रिव्यू करूँ, कौन से रेस्टोरेंट का करूँ, मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी फूड वीडियो ही आने वाली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।